नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेवधीर अजय। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लाउड किचन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लाउड किचन जब भी स्टार्ट करते हैं या कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप क्या-क्या गलतियां करते हैं और आपको उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, फूड बिजनेस क्लाउड किचन हो, रेस्टोरेंट हो, टेक अवे हो, कुछ भी फूड बिजनेस हो, ये एक नशे की तरह होता है। अगर एक बार आपके दिमाग में आ जाए कि आपको कुछ स्टार्टअप करना है फूड से रिलेटेड, तो आप यकीन मानिए लाइफ में आप कभी ना कभी उसे जरूर करेंगे। चाहे वो अभी हो सकता है, आज से 1 साल बाद या 10 साल बाद, पर ये एक नशा है जिसे कि आप कभी ना कभी पूरा करने की कोशिश भी करते हो। और आपको मैं यहां ये भी बता दूंगा, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो अपने स्टार्टअप करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं और फिर से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है ये एक नशा है, पर अगर आप यहीं अगर एक अच्छी तरीके से एक सोच समझ के चीजों को करते हैं, सोच समझ के स्टेप्स लेते हैं पूरी कैलकुलेशन के साथ, तो आप एक अच्छा बिजनेस रन करते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं वो सारी गलतियां जो कि आप लोग करते हैं और आपको ये सारी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपके आपके दिमाग में आता है कोई आइडिया, कोई भी फूड बिजनेस या स्पेशली क्लाउड किचन स्टार्ट करने का, तो आप जनरली इंफॉर्मेशन गैदर करने लग जाते हैं। आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आप वेबिनार्स अटेंड करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं या कई सारे वीडियोस देखते हैं, कई सारे फ्रेंचाइजीज के वीडियो देखते हैं, उनको कॉल करते हैं, मुझे भी कॉल आते हैं, तो अब सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करने लग जाते हैं। पर आपको जो भी दिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है और आपको लगता है कि आपको सब कुछ मालूम पड़ गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको पता दिया जाता है कि आपको मैन पावर लगेगी, इक्विपमेंट लगेगी, कौन से लाइसेंस लगेंगे, कितने के लाइसेंस बनते हैं, तो सबको आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर आपको बात यहीं पे यही ध्यान रखनी है कि वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, सिर्फ जनरल, जो कि सबके लिए लागू होती है, पर आपके लिए उसमें कस्टमाइज चीज़ें कभी भी नहीं होती हैं। कहने से मेरा मतलब है कि जो मुझे देख रहा है, मुझे नहीं मालूम वो मुझे मुंबई से देख रहा है, कलकत्ता से देख रहा है या US या अमेरिका से देख रहा है, पर जो मुझे देख रहा है उसके कंडीशन क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आप उसको ज़रूर देखिए, पर उसको अपने लिए नहीं समझ लीजिए। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी अपनी खुद की कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन होगी। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है, जब भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप लाइसेंसेस के बारे में पता करते हैं और लाइसेंसेस आप तब अप्लाई करते हैं जब तक कि आपका आधा फार्मूला आप बोलते हैं रेडी कर लेते हैं। आप लाइसेंसेस बहुत लेट अप्लाई करते हैं, चाहे फसाई के लाइसेंस हो या कोई भी लाइसेंस हो। आप जनरली सोचते हैं कि मेरे पास आइडिया है, मैं एक मेन्यू बना लूंगा और मैं कुछ भी खाना बेचने लग जाऊंगा, पर यहाँ पे आप लोग भूल जाते हैं जो लाइसेंसेस होते हैं उनको कई काफ़ी समय लगता है। आजकल फसाई के लाइसेंस को आने में भी 30 दिन से ज़्यादा लगने लग गया, 1 महीने से ज़्यादा। तो आपको ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी है। अगर आप रियली में खोलना चाहते हैं तो आपको इन सबको पहले अप्लाई आपको करना पड़ता है। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है हमारे इक्विपमेंट्स की। आपको जनरली जब आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, आपको मेन्यूज़ के बारे में पता चल जाता है, तो आप डायरेक्ट किसी एक ऐसे बंदे के पास ना जाके जो कि आपको सही चीज़ें बताएगा, आप ऐसे के पास पहुंच जाते हैं जो डायरेक्ट आपको अपने सामान बेचने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई डीलर हो सकता है या कोई भी इक्विपमेंट के दुकान का मालिक होता है, और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करता है, क्योंकि आपने जो जनरल इन्फॉर्मेशन ली है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है और आपको उसमें वो सारी चीज़ें जो कि आपके लिए नहीं भी हैं वो भी बता दी जाती है, और आप वो सारी चीज़ें खरीद लेते हो और आपका जो कैपिटल जो कम लगना चाहिए था वो काफ़ी बढ़ जाता है, या आप बोल दीजिए 50-60% आप एक्स्ट्रा सामान परचेज कर लेते हो जिनकी कि आपको कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद जो बात आती है आपकी मेन्यू की, मेन्यू आप लोग खुद ही अपने आप ही आइडिया लगा लेते हो कि भैया मुझे ये मेन्यू मैं रखूँगा, मुझे ये रखना चाहिए, और कभी भी आप जो आपकी कस्टमर की नीड है जहाँ भी आपको खोलना है कभी भी आप वो चेक करने की कोशिश नहीं करते हो। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि आप गूगल फॉर्म्स के अगर आप देंगे, अगर आप लोगों को पता होगा, आप एक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और स्टार्टिंग से पहले ही लोगों की राय ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार का खाना आपकी कम्युनिटी में चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप खोलना चाहते हैं आपके पास कुछ ना कुछ वहाँ के लिंक्स ज़रूर होते हैं, आपको आपके पास वहाँ के व्हाट्सअप के नंबर हो सकते हैं, कई सारे फेसबुक ग्रुप्स हो सकते हैं, लिंक्डइन के ग्रुप्स हो सकते हैं, जहाँ पे कि आप लोगों से पूछ सकते हैं।
क्लाउड किचन के कहने का मतलब है जो भी आपके एरिया में चीज़ें हैं या आप पोल करवा सकते हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जो कि आपकी इसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि भैया जो आपको खाना बेचना है वो आपके कस्टमर खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इसके बाद हम लोग जो मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मार्केटिंग में आप लोग सिर्फ यहाँ पर सोचते हैं कि आपको फेसबुक की एड रन करनी है या आपको स्विगी जोमेटो पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो रन करनी है। पर मैं आपको बता दूँ, इवन ऐसे मेरे पास प्रूफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की रन ऐड कर दी है आपके स्विगी जोमेटो पे और उनको 0 रुपए का भी एक बिजनेस नहीं आता है। इवन आपको कई सारे लोग ऐसे भी बताते होंगे कि आपको फेसबुक जो ऐड है वो रन करनी है, वो भी कहीं पे काम नहीं करती क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आपकी फेसबुक ऐड कहाँ कौन देख रहा है। फेसबुक ऐड में कई सारे ऐसे आप लोग ऐसे हम लोग ऑप्शंस लगा सकते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में, पर वो अगर एक तरीके से देखें तो वो कहीं भी कारगर नहीं है। आपको मार्केटिंग के लिए ये भी बताया जाता है कि आप लैपटॉप खोल के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर दीजिए, पर एक्चुअल में जब आप ये करने जाते हैं तो कभी वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मैन पावर भी रखनी पड़ जाती है जो कि इसी भी तरीके से फिजिबल नहीं। तो ये सारे मिथ्स होते हैं जो कि आप लोगों के दिमाग में होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर कई सारी चीजों से रिलेटेड। अब इसमें जो सबसे लास्ट है वो है हमारी मैन पावर का। मैन पावर आप तब हायर करते हैं जबकि आपका सब कुछ रेडी हो चुका होता है। आपका जब रेस्टोरेंट खुलने को होता है 5-7 दिन होते हैं तब आप जाके बोलते हो कि भैया मुझे ये शेफ चाहिए, मुझे कॉल आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं आपको खोलना है तो एटलीस्ट आप 15-20 दिन पहले या हो सके तो 20 दिन तो मिनिमम आप लगा लीजिए, इतने पहले आपको अपनी मैन पावर को अपने पास बुला लेना चाहिए। आपको उनको भी टाइम देना चाहिए सेटअप को देखने के लिए, समझने के लिए, आपको समझने के लिए, आपके बिजनेस को समझने के लिए, क्योंकि जो भी आपके पास काम करने आ रहा है वो एक मशीन नहीं है कि आप उसको सामान देंगे और उसका खाना बना देगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको उसको भी समझने का टाइम देना पड़ेगा ताकि आपके लिए वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना पाए। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मेन यही कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन नेट से कैसे भी मिलती है आपको उनको एक जनरल इन्फॉर्मेशन ही लेना है, आपको अपने लिए ही नहीं समझ लेना कि मेरे लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स बता देता हूँ, इवन मैं बताता भी रहता हूँ। एक जनाब थे जो नोएडा से थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लगभग उन्होंने मुझसे नवंबर या दिसंबर में कॉन्टैक्ट किया था। उस टाइम उनसे मेरी काफ़ी बातें हुई, 2-3 बातें भी हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे ना कोर्स परचेज़ करा, मुझसे मतलब की बातें ही नहीं करी। अब 2-3 दिन पहले उन्होंने मेरे पास कई सारी एक्सेल शीट्स भेजी जिसमें कि वो अपना ऑलरेडी सामान बेच रहे हैं। तो इससे पता यही चलता है कि आपने इतना खर्चा कर लिया है कि आप अब चला ही नहीं पा रहे चीज़ों को, अब ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको बेचना चाहते हो क्योंकि आपकी चीज़ें चल ही नहीं पाई, क्योंकि आपको लगा कि आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई है और आपको पता चल गया है। क्योंकि हम हमेशा यही गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें सारा कुछ पता चल चुका है, एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। यहीं पे मैं आपको सिर्फ अपने कोर्स के बारे में लास्ट में बताना चाहूँगा जिसमें कि मैं आपको आपके हिसाब से आपकी कस्टमाइज चीज़ें प्रदान करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप मेरा बेसिक और एडवांस कोर्स ले सकते हैं, ऑलरेडी कई लोगों ने ले चुका है, इवन वो भी ले चुके हैं जिनके ऑलरेडी कई सारे रेस्टोरेंट्स चल चुके हैं। इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेरी पर्सनल एडवाइस मिल जाती है जो कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो या फिर जो ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी मेरे दिल में था मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो भी गलतियां आपसे होती हैं, आपको लगता है कि आपके पास कोई भी और प्रॉब्लम है क्लाउड किचन से रिलेटेड या फूड बिजनेस से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।